दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा आपको मालूम होगा इससे पहले आखिरी के समय मैंने आपको 10 मैच अपने चैनल पे कवर करके दिया है, उसमें से 9 मैच मैंने आपको जिताए हैं। 12 में से 11, 10 में से 9 ऐसे मैच लगातार जीत रहे हैं। इस वाले मैच में यही कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहला जो मैं अपना यहाँ से रिस्क लूंगा वो लेकर के चलने वाला हूँ एन मलाबा पे। क्यों? क्योंकि पहला रीजन है कि अपने भारत की टीम के मैच हारने के चांस है। क्यों? क्योंकि अपने भारत के जो बॉलर्स हैं ना वो बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, और सामने जो टीम है अफ्रीका की टीम है, अफ्रीका की टीम इस समय अपने बल्लेबाजी में काफी फॉर्म में नजर आ रही है। अफ्रीका की टीम के इस समय जितने भी बल्लेबाज हैं सारे के सारे प्लेयर रन बना रहे हैं। खास तौर पे एल वर्वा के एक ऐसी प्लेयर है जिसने आखिरी के 5 मैच में 400 प्लस रन बनाए हैं, हर मैच में रन बना रही है। तो आप इसको भी कैप ऑफ इसी बना करके चल सकते हो अगर आप रिस्की टीम बना सकते हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एल वर्वा को भी आप अपनी टीम में ऐसा कैप ऑफ इसी बना करके चल सकते हो, क्योंकि ये बल्लेबाजी में इस समय अपने ड्रीम फॉर्म में है। लेकिन ये चीज़ का फायदा है कि ये जो मैच होगा ये अपने भारत देश में होने वाला है, बेंगलुरु में। यहाँ पर वुमेन्स का मैच है यानी कि स्पिनर यहाँ पे चलने वाले हैं, स्पिनर भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। मैं इसके मैचेस में इस पिच पे ना कभी भी पेसर्स के अलावा कोई चले ही नहीं है, कभी स्पिनर गेम में नहीं आए। लेकिन वुमेन्स में क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे स्पिनर ही खेलती हैं, अगर 5 बॉलर है उसमें से 3 बॉलर या 4 बॉलर स्पिनर ही होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे स्पिनर के लिए अच्छी पिच को बनाया गया है। रन बनाना आसान नहीं रहेगा इतना, तो मेनली मैं कहूँगा कि अगर अपने भारत की टीम पहले बॉल करेगी वहाँ पे मैं अफ्रीका के बॉलर्स के ऊपर रिस्क लूँगा, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म है कि भारत के 10 के 10 विकेट गिरेंगे। लेकिन अगर अफ्रीका वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहाँ पर अपने भारत देश के बॉलर्स के ऊपर रिस्क लेना, यानी कि जिसकी भी टीम पहले बॉल करेगी ना उसके आपको बॉलर्स के ऊपर रिस्क लेना होगा, उन्हीं के बॉलर आपको जिताएंगे। और जिसकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके बॉलर्स को आपको गिने चुने जो मेन बॉलर होंगे उन्हीं को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले मैं एन मलाबा के ऊपर रिस्क लूँगा क्योंकि इस समय फॉर्म में स्पिनर की बॉल पे, यहाँ पे बॉल भी स्पिन होने वाली है और कहीं ना कहीं इस समय फॉर्म में आखिरी के अगर आप इसके 9 मैचेस में चेक करोगे वहाँ पर इसको 12 विकेट के करीब मिला है, क्योंकि 50 ओवर का मैच है, यहाँ पे 10 ओवर पूरा फेंकेगी मलाबा। और अगर इसने सही से बॉल किया, क्योंकि अफ्रीका के जीतने के चांस है तो अपने भारत के 10 के 10 विकेट गिरेंगे, एन मलाबा को 2 से लेकर के 3 विकेट के करीब मिलने के पूरे चांस रहने वाले हैं। यहाँ से कहूँगा राधा यादव को लेकर के चल लेना, क्योंकि फॉर्म में अभी जो हालिया दिन में ये लोग 20 ओवर का मैच खेल के आ रहे हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा बॉल किया हुआ है। एम कैप मरीजेन कैप जो कि अफ्रीका की टीम की ओर से बल्लेबाजी में भी 5वें पे आएगी, नई बॉल से शुरू की ओर से बॉल भी करेगी, सभी लोग इसी को कैप बना करके आएंगे, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। ये जो चार प्लेयर आपके लिए कैप ऑफ इसी के लिए सबसे सही प्लेयर है, यही चार वो प्लेयर है जो कि आपके लिए कैप ऑफ इसी के लिए जीएलओ या स्मॉल लीग नंबर 1 प्लेयर रहेंगे, जिसमें नंबर 1 प्लेयर रहेगी मरीजेन कैप, दूसरे नंबर पर रहेगी दीप्ति शर्मा क्योंकि अपने भारत में मैच हो रहा है, अपने ही देश में मैच हो रहा है, वहाँ पे दीप्ति शर्मा अच्छा बॉल करेगी। एंडी क्लर्क आपके लिए तीसरे नंबर पर प्लेयर रहेगी और एल वर्वा। इस तरीके से ये चार प्लेयर जो कि कैप ऑफ इसी के लिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि अगर अपने इंडिया की टीम अगर पहले बॉल करेगी वहां पे हो सकता है कि दीप्ति शर्मा को 4-5 ऐसे विकेट मिल जाए, क्योंकि जो भी टीम यहां पे पहले बॉल करी है ना वुमेन्स की मैच है, यहां पर बॉलर्स ही आपको गेम जिताएंगे, क्योंकि दोनों टीमों का मिलाकर के 16 विकेट के करीब गिरेंगे, अब बॉलर्स यहां पे फिर आपको अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बॉलर्स ही यहां पे आपको जिताने वाले हैं। तो ये जो 3 प्लेयर है ना इनको लेकर के चलना ही चलना, ये तीनों बल्लेबाजी में भी रन बनाएंगे, बॉलिंग से भी अपना पूरे ओवर करेंगे। यहाँ से राधा यादव हो गए, एम यहाँ से मलाबा हो गए। अब यहाँ पे जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आपको एक खाखा और एम क्लास ये दोनों में से किसी एक बॉलर को लेना है, यहाँ से रेणुका सिंह और श्रेयंका पाटिल में से किसी एक को लेना है। मेनली मैं आपको बोलूँ कि रेणुका सिंह आखिरी के जो 12 इसने मैच खेले अगर आईपीएल मैच को भी अगर जोड़ लें तो 12 में से 10 मैच में ये फ्लॉप हुई है, 12 में से 10 मैच में फ्लॉप हुई है, और सामने जो टीम है वो काफ़ी मजबूत टीम भी है, इस समय ये काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, इनके सारे बल्लेबाज रन बना रहे हैं, तो वहाँ पर रेणुका सिंह के फ्लॉप होने के चांस रह सकते हैं। पूरा का पूरा आईपीएल इसका काफ़ी ख़राब गया आरसीबी की टीम की ओर से, किसी भी मैच में इसने परफॉर्म नहीं किया आईपीएल के, और जो हालिया दिन में भी मैच खेल के आ रही है सिर्फ एक ही मैच हुआ है जहाँ पर इसने अच्छा किया है, लेकिन 2023 का जो सीज़न गया है ना 2023 का जो साल गया वो इसका काफ़ी गजब का गया है।
अगर 224 में चेक करोगे कहीं पर भी इसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 223 में काफी अच्छा किया है। तो अगर अपने भारत की टीम पहले बॉल करेगी वहां पे रेणुका सिंह को लेना जरूरी है, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी है वहां पर अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो रेणुका सिंह को ना लेकर के श्रेयंका पाटिल को ले सकते हो सेकेंड बॉल में ना। श्रेयंका पाटिल अच्छी बॉल कर सकती है, श्रेयंका पाटिल जो है रेणुका सिंह से अच्छी बल्लेबाज भी है, 10 रन 20 रन आपको बना करके दे सकती है। तो पहले बॉल अगर होगा तो रेणुका को लेंगे, अगर पहले बल्लेबाजी होगा तो श्रेयंका पाटिल को लेकर के चलेंगे। एक चेस बड़ी टीम में होगा, और उसके अलावा यहाँ से एक खाखा एम, यहाँ से एम क्लास, ये दोनों में से किसी एक को लेना है। अगर मैच आपको एकदम सेफ जाना है आप एक खाखा को ले सकते हो, लेकिन अगर अफ्रीका वाले पहले बॉल करेंगे, पहले अगर बॉल करेंगे वहां पे आप एम क्लास को ले सकते हो, लेकिन यहां पर मेरा मन नहीं है रिस्क लेने का, मैं फिलहाल के लिए एक खाखा को ही लूंगा। क्योंकि एम क्लास ना जिस दिन इसका मन करेगा उस दिन ये 3 विकेट के करीब लेगी, और जहां पर इसका फ्लॉप होने का दिन होगा इसको 4 ओवर 5 ही ओवर देंगे, क्योंकि उसी में ये इतने रन दे देगी कि उसके बाद फिर इसके ओवर ही ये लोग कम कर देते हैं। तो कोई भरोसे वाली प्लेयर नहीं है, कभी कभी काफ़ी अच्छा भी कर देती है और कभी कभी बुरी तरीके से फ्लॉप भी हो जाती है, इसी वजह से एक खाखा को लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ से कहूँगा बल्लेबाजी में हरमनप्रीत कौर को लेना ज़रूरी है। अब यहाँ से अगर अपनी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वहां पर स्मृति मंदाना को लेकर के नहीं चलना है। अगर पहले बल्लेबाजी है वहां पर स्मृति मंदाना के फ्लॉप होने के चांस है, लेकिन अगर पहले बॉल है वहां पर स्मृति मंदाना को लेना जरूरी है। यानी कि स्मृति मंदाना मेनली तब चलेगी जब अपनी टीम पहले बॉल करेगी। अगर पहले बल्लेबाजी है तो आप चाहो तो इसको ना लेकर के किसी दूसरे एक्स्ट्रा बॉलर या फिर ऑलराउंडर के ऊपर मैं रिस्क लेकर के चलूंगा। सैफ अली वर्मा मेनली तेजी से रन बनाने वाली प्लेयर है, 20 ओवर की प्लेयर है, 50 ओवर के मैच अभी तक के अपने आप को प्रूफ नहीं किया है तो लेकर के नहीं चलूंगा। जे रॉगरिस ये एक अच्छी प्लेयर है, जे रॉगरिस और यहाँ से टी ब्रिट्स, ये दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसी प्लेयर होगी जो कि आपको 70 के करीब फैंटेसी पॉइंट्स दिलाने वाली है। ये दोनों प्लेयर के ऊपर ध्यान रखना, दोनों अच्छी प्लेयर हैं। अति ब्रिट्स ने हालिया दिन में एक मैच में 116 रन भी बनाए हैं श्रीलंका के सामने। तो मेनली मैं आपको कहूँगा अति ब्रिट्स जो कि बल्लेबाजी में ओपनर आएगी ये आपको रन बना करके जरूर से दे सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अफ्रीका के जीतने के चांस जाते हैं। तो टी ब्रिट्स और जे रॉगरिस में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एस जाफरा ऐसा कीपर खेलेगी तो रिचा गोसी आपके लिए सबसे सही है। अब जो मेरा 11वां प्लेयर रहेगी ना उसमें कौन कौन से रह सकते हैं, पूजा व शाकर को ले सकते हैं, लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम है कि बॉल से भी इसको एक ही विकेट के करीब ज्यादातर मिलेगा, अब बल्लेबाजी में भी ये कभी भी रन बना नहीं पाती। यहां से श्रेयंका पाटिल को लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अपने भारत की टीम मैच जीत सकती है तो वहाँ पे श्रेयंका पाटिल अगर पहले बॉल है या सेकंड बॉल है वहाँ पे अच्छा करेगी, लेकिन अगर कहीं हारेगी अपनी टीम वहाँ पे समझो कि श्रेयंका पाटिल काफ़ी ख़राब भी करने वाली है। तो मेनली मैं कहूँगा कि यहाँ से मेरा मन ये है कि मैं टी ब्रिट्स या फिर जे रॉगरिस में से किसी एक को लेकर के चलूँ। मैं टी ब्रिट्स के ऊपर रिस्क लेने का सोच रहा हूँ, ये टीम आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी, लेकिन इस टीम को अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको रेणुका सिंह को लेकर के नहीं चलना है। फिर वहाँ पे आपको एक काम करना है, रेणुका सिंह को ना लेकर के श्रेयंका पाटिल को ले लेना। अगर आप टी ब्रिट्स को ले रहे हो वहाँ पे आपको श्रेयंका को लेना है, लेकिन अगर आप टी ब्रिट्स को नहीं ले रहे हो वहाँ पे आप यहाँ पे रेणुका को लेकर के चल सकते हो। अगर मैं रिस्क की टीम की बात करूँ मेरे हिसाब से रेणुका को ना लेकर के श्रेयंका को लेकर के चला जा सकता है। यहाँ से टी ब्रिट्स को भी लिया जा सकता है क्योंकि अच्छी प्लेयर है और इस समय फॉर्म में भी है ना। और फिलहाल के लिए मैंने इसी तरीके की टीम बनाई है, इसमें कोई चेंज होगा तो वो मैं आपको आगे और भी चीज़ें बोलूँगा। मरिजेन कैप को और दीप्ति शर्मा को क्या वीसी बना रहा हूँ, एंडी क्लर्क को भी आप वीसी बना करके चल सकते हो। अगर अफ्रीका वाले पहले बॉल करेंगे वहाँ पर मैं एंडी क्लर्क को वीसी बनाऊंगा, वहाँ पर मैं दीप्ति शर्मा को वीसी नहीं बनाऊंगा, एंडी क्लर्क को वीसी बनाऊंगा अगर अफ्रीका वाले पहले बॉल करेंगे। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल टीम जो भी होगी मैं टॉस होने के बाद अपने इस वाले टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी कभी ज्वाइन हो सकना क्योंकि इसी चैनल पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूँ। उसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना, आपके लिए फ्री का लाल बटन। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एक एक वीडियोज बनाने 3-3 4-4 घंटे का समय लगता है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब।